दोस्तों आज हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। आपने यह नाम कई बार सुना होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और इस घंटे को दबा दे ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि करेंट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट करेंट और अल्टरनेटिंग करेंट। डायरेक्ट करंट में करंट और वोल्टेज दोनों हर पॉइंट ऑफ टाइम में सेम होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज और करंट बदलता नहीं है, स्टेबल होता है। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में हम डीसी भी कहते हैं। डीसी को बैटरी से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है और यदि आप इसके वोल्टेज और करेंट को ग्राफ में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को दर्शा रहा है और वर्टिकल लाइन वोल्टेज और करंट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज हर पॉइंट ऑफ टाइम में सेम है, यानी कि 12 वोल्ट है। करंट भी सेम ही है, लेकिन एसी में कुछ ऐसा नहीं होता, उसमें वोल्टेज और करंट बदलते रहता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में प्रयोग करते हैं वो अल्टरनेटिंग करेंट है, यानी कि एसी शॉर्ट फॉर्म में। मान लीजिए आपके घर में एसी 240 वोल्ट आ रहा है और आप उसे ग्राफ में देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ दो अलग अलग ग्राफ हैं, एक वोल्टेज को दर्शा रहा है और एक करंट को। इस ग्राफ में वोल्टेज जीरो से शुरू हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है और फिर इस पॉइंट से वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और जीरो तक पहुँच जाता है और फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर इस पॉइंट से वोल्टेज डिक्रीज होता है और ऐसे ही चलते रहता है। इसी तरह करंट के ग्राफ में भी होता है। यहाँ पर दोनों ग्राफ के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉजिटिव का साइन है और नीचे निगेटिव का साइन है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि इस पॉइंट से करंट दूसरी दिशा में फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिससे इसे हम निगेटिव करंट कहते हैं, न कि पॉजिटिव, और इसे निगेटिव से मार्क किया जाता है। यानी कि एसी में सिर्फ वोल्टेज या करंट चेंज नहीं होता है बल्कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ 0 डिग्री से 360 डिग्री बना रहा है। यहाँ हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा, यहाँ पर 270 डिग्री होगा और यहाँ पर 360 डिग्री होगा। 0 से 360 डिग्री को हम एक साइकिल या फिर एक पीरियड कहेंगे और ऐसे ही यहाँ भी 0 और डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री और ये भी एक साइकिल या पीरियड हुआ। और एक सेकंड में जितने साइकिल या फिर पीरियड होंगे उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। हमारे घर में लगभग 50 या 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है, यानी कि हर सेकंड में 50 या 60 पीरियड बनते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके घर में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आता है, यानी कि हर सेकंड में 50 पीरियड बनते हैं, तो एक पीरियड कितने सेकंड में बनेंगे? इसे आप कुछ इस तरह निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ ए पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, सो 1/50 एज जेड इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। और अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो कुछ इस तरह होगा, 1/टाइम ऑफ ए पीरियड, सो 1/0.02 सेकंड्स इज इक्वल टू 50 एच जेड। मुझे उम्मीद है कि आप काफी कुछ समझ चुके होंगे। यदि हमारी कोशिश अच्छी लगी तो कृपया लाइक का बटन दबा दें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेके आता हूँ।